नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सीधी से खबर है, घूस लेते कैमरे में कैद हुआ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मिलावटखोरों पर कार्रवाई के दौरान रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। लूट की जांच के नाम पर घूस ली गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनेश लोधी घूस लेते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। बड़ी खबर आपको सीधी से बता रहे हैं, जहां खाद्य सुरक्षा अधिकारी मिलावटखोरों पर कार्रवाई के दौरान रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां खाद्य सुरक्षा अधिकारी घूस लेते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। कनिष्क हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। कनिष्क, तमाम वादे यहां पर किए जाते हैं, सुरक्षा खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं, खुद ही घूस लेते हुए, जब वो कार्रवाई करने ही गए थे तो रिश्वत लेने की क्या जरूरत थी? जी, आपको बताना चाहूंगा, ये जो कमलनाथ सरकार के द्वारा शुद्धता युद्ध अभियान चलाया जा रहा है, इसको लेकर सीधी जिले में हमेशा सवालिया निशान लगा है। अभी कुछ दिनों पहले इसी शुद्ध युद्ध में एक महिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं, उनका रामपुर नैकिन में एक व्यापारी से रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ था, उसमें हिला हवाली कर दी गई, अधिकारियों को इसकी सूचना मिली, उसमें पूरा लीपापोती कर दिया गया मामला। और ये मामला जो आया है ये और भी गंभीर है। ये दूध वालों पर एक संयुक्त 3 सदस्यीय टीम बनाई गई थी, उनके द्वारा मौके पर जांच करने पहुंचा गया, किंतु एक दूध वाले के द्वारा जब आपत्ति जाहिर की गई वीडियो वगैरह लेने के समय, और एक बार 500 रुपए की नोट दी गई तो उसको लेने से इंकार कर दिया गया, दूसरी बार जब मोटी रकम दी गई उसको लेके खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनेश लोधी के द्वारा अपने जेब में रख लिया गया। तो निश्चित तौर पर इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो अधिकारी है, जो इनके ऊपर अफसर है, वो इन्हीं को संरक्षण दे रहे हैं ऐसे रिश्वतखोरों को, और सीधी की आम जनता के ज्ञान का सौदा कर रहे हैं ये रिश्वत के चक्कर में। जी, मिलावटखोरों की आज इतनी हिम्मत इसीलिए हो जाती है जब इस तरीके से अधिकारी ही रिश्वत लेते हुए नजर आते हैं। जी, निश्चित तौर पर ये मिलावटखोरों के खिलाफ जो एक सरकार ने युद्ध तो जरूर छेड़ा, किंतु उनका जुर्मा है, जो अधिकारी उनके नीचे काम करते हैं, जो इस पर पूरे मामले में कार्यवाही करते हैं, वो केवल और केवल रिश्वत का अपना कारोबार। से कुछ दिन पहले ही तमाम इस तरीके की मिलावटखोरी की खबरें सामने आई थी और लगातार कहा जा रहा था कि रासुका के तहत कार्यवाही की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की तस्वीरें जब देखने को मिलती हैं तो ये काफी हैरान करने वाली होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कनिष्क आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अब आगे देखिए हमारी खास पेशकश।